दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, कहाँ पे सबसे कम है, प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या दिया गया है, गेन एंड लॉस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, ये दिखाया गया है 2019 की तुलना में 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी गिरावट आई है। तो ये सारा उसी का डाटा दिया गया है, बढ़ोतरी कहाँ कहाँ पे हुई है ये स्टेट दिए गए हैं और कहाँ पे कम हुए हैं, इन सभी को हम आगे पढ़ लेते हैं तो बाद में ये मैपिंग भी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस मंत्रालय के द्वारा इसे निकाला जाता है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कौन से मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। पहला सर्वेक्षण इसका कब निकाला गया था, जैसे 2021 में कौन सा प्रकाशन है, तो 17वां प्रकाशन है, सबसे पहले 1987 में और हर दो वर्ष के पश्चात इसको निकाला जाता है। पहला सर्वेक्षण 1987 में निकाला गया था और 2021 में 17वां प्रकाशन था, 2007 में नहीं निकाला गया था। इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, कहाँ पे है ये गिर के जंगल, गुजरात राज्य में, कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। तो आप इसको याद रखेंगे, ये एक नया पॉइंट है। इस रिपोर्ट में पहली बार क्या किया गया है, टाइगर रिजर्व को, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो इन तीनों को ही इस बार इसमें शामिल किया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव, किसके द्वारा इसे पेश किया गया था, भूपेंद्र यादव के द्वारा 13 जनवरी 2022 को भारत वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। पहले 2019 में जारी की गई थी, अभी 2021 में 21 रिपोर्ट जो है 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। अब देख लेते हैं देश में कुल वन और वृक्षावरण, वन जहाँ पे घने वन होते हैं, वृक्षावरण यानी जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर वृक्ष लगे होते हैं, तो दोनों का ही मिला के कितना है, ये देख लिए 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में, कितना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में कुल वन और वृक्षावरण है। अगर प्रतिशत के रूप में हम बात करें तो दोनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 24.62%। प्रतिशत भी आपको याद रखना है, प्रतिशत ही ज्यादा याद रखना है क्योंकि प्रतिशत ही ज्यादा पूछा जाता है। देश में कुल वनावरण, अब ये क्या है, इसमें वृक्षावरण को हटा दिया गया है, ओनली वनावरण आपसे पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत अगर पूछे वनों वाला तो 21.71% पे केवल वनावरण है। उसके बाद है देश में कुल वृक्षावरण, अब वनों वाला हटा दिया गया है, केवल वृक्षावरण पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 95,748 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है, प्रतिशत के रूप में अगर हम बात करें तो 2.91%, कितना हो जाएगा, 2.91%। पहले हमें वन और वृक्षावरण दोनों बताने हैं, कितना हो जाएगा, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के रूप में 24.62%। फिर हमसे पूछा गया देश में कुल वनावरण, केवल वनों वाला पूछा गया है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के रूप में बात करें तो 21.71%। अब देश में कुल वृक्षावरण पूछे आपसे तो 95,748 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के रूप में 2.91%। क्लियर, अब कुल वृद्धि कितनी हुई है 2019 की तुलना में, हमें बताना है 2019 की तुलना में 2021 तक कितनी वृद्धि हुई है, वृक्ष और वनावरण दोनों में कितनी हुई है, 2,261 वर्ग किलोमीटर में इनकी वृद्धि हुई है, और केवल वनावरण में वृद्धि तो 1,540 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में पूछे तो 0.22% 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है, और किलोमीटर में अगर बात करें तो 1,540 वर्ग किलोमीटर। अब आती है वृक्षावरण में वृद्धि, 721 वर्ग किलोमीटर यानी 0.76%, यानी वनावरण से वृक्षावरण में वृद्धि ज्यादा हुई है, वनावरण में 0.22% है जबकि वृक्षावरण में 0.76%, 0.76%। अब है देश में कुल मैंग्रोव वन,
मैंग्रोव वन कौन से होते हैं जो समुद्र के किनारे उसके खारे पानी में उगते हैं, तो ये उन्हीं राज्यों में होंगे जो राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, देश में कुल मैंग्रोव वन पहले कितने हैं, 4992 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। अगर ये गलत हो जाएगा, 17% आएगा यहाँ पे। और सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा इसलिए प्रसिद्ध है ये, एक तो बाघ बाघ के लिए और दूसरा मैंग्रोव वनों के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है 42.33%, कितनी है 42.33%। दूसरा आपका स्थान आता है गुजरात। गुजरात भी अरब सागर की साइड में, आपको पता है जैसे ये भारत है, इस साइड क्या है, अरब सागर, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, तो दोनों तरफ समुद्र लग रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, गुजरात, 23.54% मैंग्रोव वन है। उसके बाद अंडेमान निकोबार, वहाँ पे 12.34% मैंग्रोव वन है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अंडेमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, अब हमें बताना है एरिया वाइज सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, एरिया में यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, 73,493 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है एरिया वाइज। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, और पांचवें पे महाराष्ट्र। ये पांचों ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि पांचों आगे पीछे करके दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य एरिया वाइज पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे आता है। तो पहले पे कौन सा आएगा एरिया वाइज, मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, और पांचवें पे महाराष्ट्र। उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वृद्धि वाले राज्य, अभी हमने देखा था एरिया में सबसे ज्यादा एरिया में वन कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत के रूप में यानी जितना बड़ा देश है, हमारे मिजोरम इतना है, तो इसके सबसे ज्यादा प्रतिशत पे वन मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज्यादा हो जाए, सॉरी मध्य प्रदेश का एरिया ज्यादा हो जाएगा ना, तो एरिया वाइज तो ज्यादा, लेकिन उसका जितना एरिया उसके प्रतिशत के हिसाब से कम है। अब प्रतिशत के हिसाब से सबसे पहले स्थान पे आएगा मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। एरिया की बात हो चाहे प्रतिशत की, दोनों में ही अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर, और पांचवें पे नागालैंड। कौन सा हो जाएगा प्रतिशत में, सबसे पहले मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर, और पांचवें पे नागालैंड। तो ये पांचों ही पूर्वी जो राज्य है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, कितने राज्य हो गए, पांच राज्य। जैसे ये भारत का ये मैप है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे नीचे वाला, ये नागालैंड है, और मणिपुर। सबसे पहले मिजोरम, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे असम के नीचे, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे पे मणिपुर, और पांचवें पे नागालैंड, और यहाँ पे कौन सा देश है, बांग्लादेश। तो ये पांचों राज्य पहले स्थान पे आ जाएंगे प्रतिशत के रूप में। चलिए, प्रतिशत में भी आपको याद रखना है और एरिया वाइज भी आपको याद रखना है। अब है वनावरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य, ये तो हो गई एरिया वाइज और प्रतिशत के रूप में, लेकिन हमसे पूछा गया 2019 की तुलना में 2021 तक सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य ने की है। पहले जो जितने वन और वनावरण थे उससे अब वृद्धि किस में हुई है, तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, 697 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि कर ली है। उसके बाद है तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे है ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। लेकिन अगर पूछे प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है, तो तेलंगाना पहले आ जाएगा और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। ये एरिया वाइज वृद्धि किसने की है, आंध्र प्रदेश ने। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रतिशत के रूप में वृद्धि किसने की है, तो प्रतिशत में सबसे पहले आ जाएगा तेलंगाना, और दूसरे पे आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य पूरे भारत में, ऐसे कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे वन सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ पे है, पहले नंबर पे आपका आएगा हरियाणा। वनों के मामले में सबसे कम
कौन से राज्य में हो जाएंगे, हरियाणा में। कितने हैं, 1603 वर्ग किलोमीटर में, बस इतना ही वनों वाला एरिया है। दूसरे नंबर पे है पंजाब 1847 वर्ग किलोमीटर में, तीसरा है गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर में। तो तीन राज्य आपको याद रखने हैं, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, पंजाब और गोवा। और देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7204 मिलियन, लगभग इतना कार्बन स्टॉक है, 7204 मिलियन। क्लियर हो गई सारी चीजें, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए मैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा गेन किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने, हमने देखा था ना 647 वर्ग किलोमीटर में, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर में, ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर में, कर्नाटका 155 वर्ग किलोमीटर में और झारखंड 110 किलोमीटर में। तो पांच राज्य आपको दिए गए हैं, आपको याद रखेंगे। लॉस सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में कम हो गए हैं, और उसके बाद मणिपुर का, फिर नागालैंड का, मिजोरम का और मेघालय का, इन तीन स्टेट का नंबर आता है, सॉरी पांच स्टेट का नंबर आता है कम होने में। पहले पांचों ही बता दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये आपको याद रखने हैं कि सबसे कम कहाँ होते जा रहे हैं। तो ये रेड वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वन कम होते जा रहे हैं, मतलब पहले से इनका प्रतिशत कम हो गया है। और जो ग्रीन वाला एरिया दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की थी, कौन सा मंत्रालय था, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 1987 में पहला सर्वेक्षण था, अभी 2021 में 17वां है, और पहली बार किसको शामिल किया गया है, टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल, कहाँ पे है, गिर के जंगल गुजरात में। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कब पेश की थी ये रिपोर्ट, 13 जनवरी 2022 को। और कुल वन और वृक्षावरण कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत पूछे तो 24.62%, केवल वनावरण पूछा जाए तो ये 21.71% पे है, और केवल वृक्षावरण पूछा जाए तो 2.91% भाग पे है। कुल वृद्धि दोनों में, वृक्ष और वनावरण दोनों में वृद्धि, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर में। केवल वनावरण में वृद्धि पूछे तो 1,540 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.22% की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। वृक्षावरण में वृद्धि वनावरण से ज्यादा हुई है 0.76%, यानी 721 वर्ग किलोमीटर, यानी पहले जितना था उससे ज्यादा वृद्धि हो गई। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य सबसे पहले आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात और फिर कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, एरिया वाइज पूछा जा रहा है, तो 73,493 वर्ग किलोमीटर में क्या है मध्य प्रदेश में वनावरण, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। अब पूछा गया है कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, तो प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और वनावरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। और प्रतिशत के रूप में पूछेगा तो तेलंगाना पहले आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश और ओडिशा। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, पंजाब और गोवा। उसके बाद पूछा गया है देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7204 मिलियन लगभग इतना है। तो आज की क्लास में हमने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 तक जो थी उसका पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 2023 में बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और इन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।